है ट्यूटोरियल चैनल। आज हम बनाएंगे शाही पनीर। चलिए शुरू करते हैं। शाही पनीर की सामग्री: दो बड़े प्याज कटे हुए, चार टमाटर कटे हुए, एक कप दूध, पानी, दो बड़े चम्मच ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, दो बड़ी चम्मच क्रीम, एक चम्मच चीनी, पनीर, धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला, पनीर मसाला, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, दो इलायची और ये बादाम काजू का मिक्सचर। तो चलिए सबसे पहले हम टमाटर और प्याज को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अभी हमारा ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैंने दो इलायची डाली है और अब प्याज डालेंगे। हम इसको हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब देखिए हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। इसको भी फ्राई करेंगे। अब देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं। अब इसको हम बंद कर लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब देखिए हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। देखिए अब हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है। ये ऐसे बारीक हो गया है। अब इसको हम थोड़ा छोकेंगे। दो चम्मच तेल डालेंगे। जीरा पाउडर और गरम मसाला। थोड़ा सा और ऑयल डाल लेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। और अपना पेस्ट डाल देंगे। सारा पेस्ट निकालने के लिए हम इसमें पानी डाल सकते हैं।
या आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। वैसे दूध तो हम डालेंगे ही, पर हम ये निकालने के लिए डाल सकते हैं। ये सारा दूध इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम पनीर मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, अब इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्रीम, थोड़ी सी चीनी, काजू बादाम का मिक्सचर। अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसमें हम पनीर छोड़ देंगे। पांच मिनट तक इसको हम पकाएंगे। हम सर्व करेंगे। अब इसको हम गार्निश करेंगे। ये जो काजू बादाम का पेस्ट है, थोड़ा सा धनिया से, और पिस्ता। हमारा शाही पनीर तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। जिस जिस को भी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।